आसान, बड़ी और सुरक्षित जीत की तलाश में राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण गए। अब दक्षिण के उसी रास्ते पर उत्तर की मायावती चल पड़ी हैं, लेकिन राहुल और मायावती में फर्क इतना है कि राहुल गांधी दक्षिण चुनाव लड़ने गए हैं और मायावती लड़वाने। राहुल गांधी तो दिल्ली की सत्ता के लिए दक्षिण गए, लेकिन मायावती बीएसपी का राष्ट्रीय दर्जा रखने की कोशिश में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर मायावती दक्षिण के सभी राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार उतार रही हैं। इसलिए मायावती ने अपना चुनाव अभियान यूपी से नहीं बल्कि ओडिशा से शुरू किया। अगले कुछ दिनों में विजयवाड़ा, मैसूर, हैदराबाद में रैलियां करेंगी। दक्षिण के अन्य कई शहरों में भी उनकी रैलियां होंगी। दक्षिण के राज्यों में मायावती ने 2014 में भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हर सीट पर नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद मायावती ने ये बड़ा दांव लगाया है। दलित, ईसाई और मुसलमान वोट के सहारे मायावती अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश में हैं। दक्षिण भारत में दलितों और अतिथ पिछड़ों के वोट बैंक पर अब तक कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब बीएसपी इस पर अपना हक जता रही है। कर्नाटक में 18% दलित और 5% अनुसूचित जातियों के वोट हैं, इसलिए मायावती ने कर्नाटक के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओडिशा में भी करीब 40% अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर हैं। भुवनेश्वर में रैली कर मायावती ने इसी बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा, जिस पर अब तक बीजेडी और कांग्रेस का कब्जा था। दक्षिण के राज्यों में वोट की खोज में निकली मायावती जितना हासिल कर पाएंगी, कांग्रेस की जड़ें वहां उतनी ही कमजोर होंगी, चाहे वो कर्नाटक हो या केरल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।